देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। मेरा नाम मंदीप है और हमारे शॉप का नाम है श्री ज्वेलर्स। ओके, तो सोने चांदी खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सोना चांदी खरीदने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो हॉलमार्क है या नहीं, या वो सोना कौन कितने परसेंट में बना है, वो इन चीज़ों में। तो 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट के नाम पे जो ज्वेलरी बेची और खरीदी जाती है वो कहाँ तक सही है? यहाँ तक है कि सब कैरेट सही है, पर उस पर हॉलमार्क होना चाहिए। हॉलमार्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो थर्ड इज, हम लोग सोने चांदी की वैल्यू कैसे पता चल सकती है कि वो सेफ है या नहीं? उस पर की गई हॉलमार्किंग से हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं आपको। ओके, उसके ऊपर 916 का लोगो होना चाहिए और BIS मार्किंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि हमारे इस अंगूठी पे है, आप देख सकते हैं अंदर। ओके, और इसका है ना ज्वेलरी शॉप, ज्वेलरी जिनका हॉलमार्किंग रहता है उनके पास लाइसेंस रहता है ऐसा पर्टिकुलर, जो हर शॉप के पास रहना चाहिए। ओके, तो आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी गोल्ड ले या बेचे उसके ऊपर देखे कि हॉलमार्किंग है या नहीं, हॉलमार्किंग रही तो ही खरीदे, नहीं तो बेचेंगे तो उसका पर्टिकुलर जाके देखे 916 का प्राइस क्या है, उस हिसाब से ही बेचे। ओके।